94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3,219, total value of valid votes 838,839, of which Srimati Murmu gets 2,161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1,058 votes of value of 261,062. 1,058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब. इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1,333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664. इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है 71,186. इस तरह से अब तक का जो कुल टोटल बनता है 3,219 वैलिड वोट्स जिनकी वैल्यू है 8,38,839. श्रीमती मुर्मू जी को मिले हैं इसमें 2,161 वोट जिनकी वैल्यू है 5,77,777 और सिन्हा जी को मिले हैं 1,058 वोट जिनकी वैल्यू है 2,61,062. यू कैन कैलकुलेट योरसेल्फ. तो इस वक्त ये बड़ी खबर ये कि द्रौपदी मुर्मू ने जीत लिया है राष्ट्रपति का चुनाव. हालांकि अभी एक राउंड और बाकी है लेकिन तीसरे राउंड की गिनती के बाद उन्होंने वो अंक, वो संख्या को प्राप्त कर लिया है जिससे वो राष्ट्रपति बनती हैं. तो द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है. अगली राष्ट्रपति होंगी भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार होंगी और ये घोषणा बस अब से कुछ देर पहले हो चुकी है. बड़ी खबर इस वक्त यही है कि द्रौपदी मुर्मू अगली राष्ट्रपति होंगी भारत की. उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है. यशवंत सिन्हा को उन्होंने बड़े अंतर से हरा दिया है. द्रौपदी मुर्मू को 5,77,778 वोट मिले हैं और ये राष्ट्रपति बनने के लिए काफी है. तीसरे राउंड के बाद ही द्रौपदी मुर्मू जीत चुकी हैं राष्ट्रपति का चुनाव और अब यशवंत सिन्हा उनके प्रतिद्वंद्वी उनसे काफी काफी पीछे रह गए हैं. मतलब ये हुआ कि 5 लाख का आंकड़ा 5,77,778 वोट द्रौपदी मुर्मू को अब तक तीसरे राउंड के बाद मिल चुके हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त हैं और अब यशवंत सिन्हा इतने पीछे हैं कि अगला जो राउंड होगा उसकी जो गिनती होगी उसका जो वोट आएगा वो द्रौपदी मुर्मू के आसपास भी नहीं आ सकते. मतलब ये हुआ कि तीसरे राउंड के बाद द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुन ली गई हैं. अब बस अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ही होंगी. अब पूरे वोटों की गिनती खत्म होने के बाद औपचारिक इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा. तो द्रौपदी मुर्मू ने जो उनके वोटों का मूल्य है वो 5,77,777 वोट अभी तक तीसरे राउंड के बाद हासिल कर लिए. The total value of valid votes is 165,664. Shrimati Draupadi ji Murmu got 812 votes of the value of 94,478. 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant. तो बीजेपी की प्रत्याशी, एनडीए की प्रत्याशी यशवंत सिन्हा को मिले हैं
द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति का यह चुनाव जीत लिया है और एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने ये जीत हासिल की है। एनडीए की उम्मीदवार थी एक आदिवासी महिला को एनडीए ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना बीजेपी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया था और जबरदस्त समर्थन उन्हें मिला था। न सिर्फ एनडीए के दलों का समर्थन उन्हें मिला, उनको वोट मिले, बल्कि क्रॉस वोटिंग में भी बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल थे जिसमें कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, इनके विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट दिए हैं। और ये जो नाच गाना है, ये खुशी अब शुरू हो चुकी है। द्रौपदी मुर्मू ने न सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव जीता है बल्कि अब वो काफी काफी आगे निकलते हुए एक बड़े अंतर के साथ उन्होंने चुनाव जीता। संथाल समुदाय में जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि राय रंगपुर से दो बार विधायक रही, यहीं से पार्षद बनी, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का ये सफर उन्होंने पूरा किया है। अशोक सिंघल हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास लिए चलते हैं। अशोक, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई हैं, ये एनडीए की कितनी बड़ी जीत? देखिए, बिल्कुल इसमें शुरू से ही साफ था कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगी, उसमें सिर्फ औपचारिकता बची हुई थी, क्योंकि सिर्फ एनडीए के ही लोगों ने नहीं, सिर्फ एनडीए की पार्टियों ने नहीं, बल्कि दूसरी पार्टियों ने भी, अपोजिशन से भी बहुत सारी पार्टियों ने उनको अपना वोट दिया, उनको चुना, और बहुत से लोगों ने क्रॉस वोटिंग भी की। तो द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना लगभग तय था, उसमें कोई किसी को शंक नहीं था। यशवंत सिन्हा सिंबॉलिक चुनाव लड़ रहे थे, ये बात वो भी जानते थे कि उनका एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ना है। द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर किसी को भी कोई शक नहीं था, सिर्फ एक औपचारिकता थी और वो औपचारिकता पूरी हो गई है, क्योंकि पहले राउंड में ही बहुत ज्यादा, जब सांसदों के वोटों की गिनती हुई तो तभी बहुत ज्यादा और उन्होंने बढ़त बना ली थी, और उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तो उनका बढ़त लगातार बढ़ती चली गई, क्योंकि चाहे वो जेएमएम हो, बेशक वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हो झारखंड में, लेकिन जेएमएम ने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया, चाहे वो बीजेडी हो, चाहे अकाली दल हो, तमाम पार्टियां, वाईएसआर हो, इन लोगों ने अपोजिशन में रहते हुए भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो साफ तौर से पहले से ये साफ हो गया था कि द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर कोई भी किसी को शक नहीं है, महज औपचारिकता है। और आज संसद भवन में सुबह 11 बजे से जब काउंटिंग शुरू हुई तो सबको लग रहा था कि सिर्फ औपचारिकता है उनके राष्ट्रपति बनने की, और वो राष्ट्रपति बन गए। अशोक, बीजेपी मुख्यालय में जबरदस्त जश्न की तैयारियां हैं, क्या क्या होगा? मुख्यालय में ही नहीं, दिल्ली बीजेपी जो स्टेट ऑफिस है वहां पर, सड़कों पर, जगह जगह, अगर पार्लियामेंट के आसपास देखें, चाहे वो रफी मार्ग हो, कोई उस इलाके से अगर आप गुजरे राष्ट्रपति भवन की जो सड़कें जा रही हैं, तमाम जगह जगह ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए, और जगह जगह पर मंच बना करके वहां पर अलग अलग स्टेट के महिलाएं, पुरुष, आदिवासी लोग और तमाम सांसद जगह जगह सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके स्वागत के लिए, जीत की खुशी में जगह जगह उत्सव जैसा माहौल पूरा दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति भवन और संसद के आसपास के अगर इलाकों में, जगहों पर आप देखें तो जगह जगह सेलिब्रेट किया जा रहा है द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति बनने को लेकर के।